मॉनसून सीजन के चलते टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो रिवर साइड कैंपिंग साइट्स चल रहे हैं, कुछ अनऑथराइज भी चल रहे हैं, कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, और साथ में जो वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो रिवर साइड चलती हैं, उसके लिए काफ़ी रिस्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और नदियों का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। तो उसको रेगुलेट करने के निर्देश हुए हैं, जिसके चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आज एक ऑर्डर्स इशू हुए हैं। और इस ऑर्डर्स के तहत जितने भी रिवर साइड कैंपिंग साइट्स हैं और जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे रिवर क्रॉसिंग है, राफ्टिंग है, कोई और तरह की जो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी पे मॉनसून सीजन के एंड तक जो है वो प्रतिबंध रहेगा। और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म, एसडीएम्स और सभी तहसीलदारों को और साथ में पुलिस को भी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जो भी इन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा, उनके अगेंस्ट जो है वो पीनल एक्शन लिया जा सकता है।